अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंजुम का किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम आप सबके सामने शेयर करने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल मुंडी की रेसिपी, जिसको शीरा भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बकरे की मुंडी ली है और इसको हमने अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लिया है। चलिए अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। 500 ग्राम हमने प्याज ली है। प्याज को हमने अच्छे से धुल के इसकी बारीक बारीक स्लाइस कर लिए इस तरीके से। 2 टेबलस्पून हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला जो कि हमारा होममेड है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 6 से 7 हरी मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन करके प्रेशर कुकर इस पे रख दिया है। प्रेशर कुकर में हमने कुकिंग ऑयल को हीट कर लिया है। हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। आप जो भी ऑयल यूज करते खाने में आप वो ऐड कीजिएगा। मस्टर्ड ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज का तेजपत्ता और इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज। प्याज को हम पिंक कलर आने तक पकाएंगे। हमें प्याज को लाल कलर का नहीं करना है, सिर्फ हमें इसमें पिंक कलर लाना है। बीच बीच में प्याज को चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे रहे प्याज। चलिए प्याज में पिंक कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मुंडी और इसका सारा पानी हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। मुंडी का सारा पानी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें तेल ना छोड़ दे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे लग नहीं पाए। अभी हम इसे खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें तेल नहीं छूटेगा। चलिए मुंडी देखिए अच्छे से लाल हो चुकी है, इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें सिर्फ इसके गलने तक का ही डालना है। हमने यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर की छोटे वाले जार से हमने एक जार पानी ऐड किया है। अभी हमें थोड़ा पानी इसमें और लगेगा, थोड़ा पानी हम और ऐड करेंगे इसमें। ये हमने इसमें एक जार और आधा जार और पानी ऐड किया है। सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम लीड कवर करके एक प्रेशर ले लेंगे। मुंडी बहुत जल्दी गल जाती है क्योंकि इसके जो मटन होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए हम इसमें एक प्रेशर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलिए प्रेशर कुकर में एक प्रेशर आ चुका है, एक सीटी आ चुकी है। ये देखिए प्रेशर अब निकल भी चुका है, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब हम ढक्कन को खोलेंगे और चेक करेंगे मटन गला है कि नहीं। ये देखिए मुंडी का मटन अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे भूनने के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पे।
मुंडी अच्छे से भून चुकी है, इसमें तेल भी छोड़ दिया है। शोरबा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे पानी। एक बार हम इसे चला के देख लिए। और इसे 2 से 3 बॉयल आने तक हम पका लेंगे बिना विसल के। मुंडी का शोरबा रेडी हो चुका है, चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। कैसी लगी हमारी रेसिपी आपको? अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। मिलते हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।